जिस तरह मुस्लिम समाज का 80% जो समाज है ऑलरेडी मंडल कमीशन में आता है और मुस्लिम समाज को ऑलरेडी 27% में आरक्षण मिलता है, तो मुस्लिम समाज को हमारा विरोध नहीं है। मुस्लिम समाज को जब जब वक्त आया तो मैंने सपोर्ट किया है। तो और अभी जो 10% जो EWS का जो आरक्षण है, इकोनॉमिक रिसेशन का आरक्षण है, उसमें मुस्लिम समाज भी है, उसमें मुस्लिम को अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 10% में जो SC ST OBC में आता नहीं है, ऐसे मुस्लिमों को उस आरक्षण का भी फायदा होता है, इसलिए मुस्लिम समाज को भी ऑलरेडी आरक्षण मिला है। और आरक्षण के बारे में मेरा कहना यह है कि अगर आरक्षण का विवाद खत्म करना है तो एक बार सभी जाति का सेंसस कर दो और हर जाति का परसेंटेज कितना है उस परसेंटेज के मुताबिक हर जाति को आरक्षण दीजिए, फिर ये मामला पूरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मराठा आरक्षण तो ही है, मराठा समाज को आरक्षण तो मिलेगा, और जिसका उत्पादन 8 लाख के अंदर उनको ये आरक्षण मिलने वाला है, तो मेरा मराठा आरक्षण को पूरा सपोर्ट है। और मुस्लिम समाज के गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और वो ऑलरेडी 10% में अभी मिलता ही है, अभी मिल रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियां बहुत कम होती जा रही है, इसीलिए आरक्षण का फायदा जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। खाली शिक्षा में उसका फायदा थोड़ा होता है, कि नौकरियों में बहुत ज्यादा फायदा आरक्षण का होता नहीं है। इसीलिए जिस तरह मराठा समाज में जो OBC और मराठा का जो विवाद है, इस विवाद को खत्म होना चाहिए। और OBC को सपोर्ट करने के लिए मनोज अरांगे पाटिल जी ने सपोर्ट करना चाहिए, और मनोज अरांगे पाटिल के आंदोलन को छगन भुजबल ने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा भी मतलब निर्णय दोनों न्याय गणनेचा विषय असा आहे की आता माझ्या पक्षाची जर मागणी आहे की खाली OBC नव्हे तर सगळ्या जातीची जनगणना करा, तर सगळ्या जातीचं परसेंटेज किती आहे ते आपल्याला कळेल। आणि सरकारची टेक्निकल अडचण अशी आहे की आज राहुल गांधी म्हणतात की OBC सेन्सस करा, त्यांचं सरकार होतं तेवढ्याला का नाही केलं त्यांनी, तेवढे अडचणी त्यामध्ये अशा आहेत की जातीच्या आधारावर सेन्सस करण्याला घटनेचा विरोध आहे, म्हणजे घटनेचा विरोध आहे म्हणजे घटनेमध्ये जाती व्यवस्था खत्म करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मग जातीवर आरक्षण, जातीवर जनगणना कशी करायची, असं एक टेक्निकल अडचण त्यामध्ये आहे। पूर्वीच्या सरकारने ती केलं नाही, आताच्या सरकारने ती अडचण आहे, तरी आमची मागणी अशी आहे की त्याच्यातून मार्ग काढण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे।